नमस्ते, मैं बालिका आदर्श विद्या मंदिर से। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ग निकालने के आसान तरीके क्या हैं। हमारे वर्ग जो निकालते हैं ना अपन, ये हमारी कक्षा पाँचवीं छठी से चालू हो जाते हैं वर्ग निकालने, और कक्षा दसवीं तक जब तक हम गणित पढ़ते हैं जब तक हमारे काम आते हैं, और ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी हमारे काम आते हैं। तो इसके सरल तरीके क्या हैं उसको अभी करके देखेंगे, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं तरीके। अब हम वर्ग निकालते हैं, ये अपना था वर्ग निकालने का तरीका जो आसान है, वर्ग में हमेशा काम आते हैं। अभी है ये दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं में जैसे 57 है 58 है, कोई भी संख्या ले लो, है ना, 1 से 2 से 99 तक। अब ये 97 है जैसे, अब 97 का हमको वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वर्ग? तो अपन को छोटे वर्ग तो अपन को याद हो जाते हैं, जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 7 का वर्ग 49, ठीक है? ये अपन को याद है, इतना अपन ने लिख लिया। लिखने के बाद में अपन को क्या करना है, पाँच और सात, 5 × 7 की गुणा करके देखनी है। 5 × 7 कितना होता है 35, 35 हो गया ना, ये 35 को 2 की गुणा करनी है। अब एक संख्या छोड़ के यहाँ 70 लिख देना है। ये 70 आया कैसे, एक और वापस देख लीजिए, 5 × 7 = 35, 35 × 70, बस इतना करना है। उसका अगला क्रम क्या है, एक संख्या छोड़ के अपन को ये संख्या लिख देनी है। लिख दी, अब इनको जोड़ दो, 9, 4, 5, 7, 12, 2 और 1, 3, ये हमारा हो गया वर्ग। कितना आसान है ना वर्ग निकालने का आसान तरीका, 57 का निकाल दिया। अब एक एग्जाम्पल अपन और करके देख ले, अब अगला एक और देख लेते हैं, जैसे 99 है, ठीक है, इसका और अपन वर्ग निकाल के देख लेते हैं ये वर्ग। अब पहले अपन ने क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग लिख देना है वर्ग, 9 में 81, 9 में 81, ठीक है। अब अगला क्रम अपना क्या था, 9 में 81, 81 × 162, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे अपन को 162 लिख देना है और इसको प्लस कर देना है, बस आसान है। 1, 8, 2, 10 जोड़ रहे हैं अपन, 7 और 1 = 8 और ये 9, तो ये अपना हो गया दूसरा, ठीक है। दोनों को पहले अलग अलग वर्ग निकालेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर फिर वापस इसके आपस में गुणा करके लिख देंगे और जोड़ कर देंगे, ठीक है। ये कितना आसान है, ऐसे ही आप 8-10 क्वेश्चन करके देखना कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क कर लेना। धन्यवाद।